बोल हैं। हेलो स्टूडेंट। तो बेटा जी देखो, जो हमारा बुक वर्क था, हमने ये कंपाउंड वर्ड तक कर लिया था। इसको मैं रिवाइज एक बार फिर से करा देती हूँ। तो देखो क्या है, हेयर ड्रेसर। तो क्या आएगा हेयर ड्रेसर का? हेयर ड्रेसर, डॉग हाउस, डॉग हाउस, टाइम टेबल, यहाँ टाइम टेबल आएगा बेटा, ये टी है, क्लास मेट, टेबल क्लॉथ, हेड मास्टर, टूथ ब्रश, ब्रेक फर्स्ट। तो क्या आएगा ये? ब्रेक फर्स्ट। इस टाइप से आपने ये वर्क करना है, ठीक है बेटे? तो इसका आगे मैं कराती हूँ आपको। देखो क्या है, ऐसे ई एस जोड़ने हैं इन वर्ड्स के अंदर। गेट गेट्स, लिव लिव्स, सिंग सिंग्स, स्टॉप स्टॉप्स, रीड रीड्स, कुक कुक्स, गो गोस। देखो अगर ये सिंपल आ रहे हैं तो इनके पीछे एस लग रहा है। अगर ओ आता है, एक्स आता है, डबल एक्स डबल एस आता है, एच आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, तो इनके पीछे क्या आएगा? ई एस आएगा वर्ड के पीछे, ठीक है बेटे? तो गो का क्या आएगा? गोस, मेक्स मिक्सिस, किस किसिस, वॉश वॉशिस, फिनिश फिनिशिस, टी स्टिचेस। अब देखो वाई को कट करके आई ई एस लगेगा। फ्लाई फ्लाइज, क्राई क्राइज, कैरी कैरीज, एप्ली एप्लीज, स्टडी स्टडीज, मैरी मैरीज, ठीक है बेटे? तो नेक्स्ट क्या है, हाउ डू वी से द एस या ई एस एंडिंग? प्रैक्टिस सेइंग दीज वर्ड्स। इन वर्ड्स के आप प्रैक्टिस करोगे, बोल बोल के। देखो पोर्ट्स है, रेस्ट्स है, हेल्प्स है, वॉक्स है, लीव्स लीव्स, प्लेज सेंट्स, ब्रिंग्स वॉचिज, जो जो आ रहा है ना एक टाइप से, वॉचिज, ब्रशेज, पासिस, ठीक है बेटे? नेक्स्ट देखो क्या है, नाउ पुट द एस या यस फॉर्म्स इनटू थ्री ग्रुप्स। इनको आप तीन ग्रुप्स में अलग अलग चेंज कर दो, ये ऊपर जो बताई हैं। तो देखो गेट्स है, स्टॉप्स है, मेंस है, ये ग्रुप में आगे, सिंग्स राइज गोज कम्स स्टडीज स्टोरीज फ्लाइज क्राइज चेरीज, ये ग्रुप में आ गए, वॉशिज क्लासेस टीचेस फिनिशेस, ठीक है बेटे? इस टाइप से आपने भी फिल करने हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटली एंड फॉर थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू। ऐसी चीज़ें जो जनरली ट्रू होती हैं और रेगुलर होती हैं, ठीक है बेटे? तो क्या है ये हम कर रहे हैं, देखो राइज द सन द ईस्ट। तो क्या है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है, सूर्य है, रोज पूर्व से उदय होता है ना। लाइक यूजली चिल्ड्रन स्वीट्स, जो बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं। चिल्ड्रन यूजली लाइक्स स्वीट्स, ऑलवेज नाइस क्लॉथ, वियर नीड टू नीड टू ऑलवेज वियर नाइस क्लॉथ। ऐसी चीज़ें जो रेगुलर होती हैं बेटे, वहाँ हम ऐसे या ई एस यूज़ करते हैं। देखो क्या है, डिनर वी ऑलवेज हैव एट 8:30, वी ऑलवेज हैव डिनर एट 8:30, ऑलवेज इन टाइम मीना रीच स्कूल, मीना ऑलवेज रीच इज स्कूल इन टाइम। टेलीविजन टॉम वॉच नेवर आफ्टर 10 o'clock, टॉम नेवर वॉचिज टेलीविजन आफ्टर 10 o'clock। नेक्स्ट देखो क्या है, देखो जिम एक पोस्टमैन है, वॉट डज ही डू एवरी डे, वो हर रोज़ क्या करता है? रीड वॉट ही सेज, वो क्या कहता है? देखो उसके डेली रूटीन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, आई गेट अप एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 8:30 एंड लीव होम एट 9 o'clock, मैं 9 बजे अपना घर छोड़ देता हूँ। आई स्टार्ट वर्क एट 9:30 एंड फिनिश माई बाय 2:30, 2:30 पे बंद कर देता अपना काम और 9:30 पे स्टार्ट करता हूँ। आई हैव डिनर एट 8:45 एंड गो टू बेड एट अबाउट 9:30। तो देखो सिंपल वर्ड यूज़ हो रहे हैं इसमें, ऐसे ये नहीं आ रहा क्योंकि वो पर्सन अपने डेली रूटीन के बारे में बताता है, ठीक है? अब क्या है, नाउ कंपेयर योर सेल्फ विद जिम, आप जिम के साथ अपने आप को कंपेयर कैसे करते हो? जिम गेट्स अप एट 6 o'clock, जिम कब उठता है? जिम गेट्स अप 6 o'clock, आप कितने बजे उठते हो? आई गेट अप एट 6:30, आप जितने बजे उठते हो वो यहाँ लिखोगे। वैसे मैं तो बेटे सुबह 5 बजे उठती हूँ, इसलिए मैं तो अपना यहाँ लिख सकती हूँ, आई गेट अप एट 5 o'clock। नेक्स्ट क्या है, जिम हैज़ ब्रेकफास्ट एट 8:30, आप ब्रेकफास्ट कितने बजे लेते हो? आई हैव ब्रेकफास्ट एट, और जो भी आपका टाइम है वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है?
थर्ड क्या है, जिम लीव्स होम सेट 9 o'clock. 9 o'clock वो घर छोड़ता है. आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7:30. आप कितने बजे अपना घर छोड़ते जब स्कूल जाते हो, आप लिखोगे आई लीव होम एट दिस. ठीक है बेटे, सॉरी. नेक्स्ट देखो क्या है, जिम स्टार्ट वर्क एट 9:30. जिम कितने बजे वर्क स्टार्ट करता है, 9:30 पे. आप कितने बजे करते हो स्कूल, कितने बजे, 8 बजे करते हो ना. जिम फिनिशिज वर्क एट 2:30. आप 2 बजे स्कूल ऑफ कर देते हो. जिम हैज़ डिनर एट 8:45. आप कितने बजे, 8:30 पे, जितने बजे. और आप बेड पे कितने बजे जाते हो, आई गो टू बेड एट दिस टाइम. तो देखो जिम हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ ऐसे ही ऐसा है ना हर जगह. तो यहाँ पे जब हम अपनी बात कर रहे हैं तो तब क्या है, सिंपल आ रहा है. ठीक है बेटे, इस टाइप से आपने इनको करना है. वैसे ही माय फादर गेट्स अप एट 6 o'clock, ही हैज़ ब्रेकफास्ट एट 7:30. आपके पापा 6 बजे सुबह उठते हैं और वो 7:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं. तो उनके बारे में आप ये कुछ लाइंस लिखो. देखो, ही लीव्स फॉर हिज ऑफिस एट 8 o'clock. वो 8 बजे अपने ऑफिस जाते हैं. ही कम्स बैक फ्रॉम ऑफिस. वो घर वापस कब आते हैं, 5 बजे आते हैं. ही टेक्स सम रेस्ट. उसके बाद वो रेस्ट लेते हैं. देन ही हेल्प्स, या हेल्प्स आएगा बेटे, देन ही हेल्प्स इन माई होमवर्क. होमवर्क में मेरी हेल्प करते हैं. वी हैव डिनर एट 9:30. 9:30 पर हम डिनर लेते हैं. ही गोज़ टू बेड एट अबाउट 10:30. 10:30 पे वो बेड पे जाते हैं, यानी कि सोते हैं. ठीक है बेटे, इस टाइप से आप ये करोगे, यहीं पे आपका जो बुक वर्क है कंप्लीट हो जाता है. तो ये आपके जो है 5 लेसन तक कंप्लीट हो जाते हैं. अब आप अच्छे से रिवीजन करोगे और तैयारी करोगे अपने एग्ज़ाम्स की. ओके बेटे, थैंक यू एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे.